अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है ट्यूसडे, अभी 2 बज रहे हैं। अभी हम लोग उठ गए, इल्हाम भी उठ गई है। इशाल तो बस नमाज पढ़ के सीधा बाहर चले जाती है। तो इल्हाम को मैंने पूछा तुम क्या खाओगी, तो बोलती है जूस, मतलब उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए सुबह सुबह। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, एग, ब्रेड, एप्पल। बाबा सिर्फ सुबह में हैवी ब्रेकफास्ट करता है, जैसे सालन, रोटी, टमाटर प्याज का सैलड, और पूरा दिन वो कुछ नहीं खाता है। उसके बाद में बस चाय कॉफ़ी पीता है, और रात में सिर्फ फ्रूट वगैरह खाता है, ऑरेंज या बनाना इस तरह। कभी कदार बहुत उसको भूख लगती है तो फिर खाना खा लेता है, नहीं तो नहीं खाता। बाहर इतने मच्छर है ना, अगर से 5 से 10 मिनट के लिए भी बाहर वॉक भी कर लो या फिर वहाँ पे एक जगह खड़े हो जाओ या कोई काम कर लो, तो बस मच्छर तो ऐसे फिराक में बैठे होते हैं ना, जैसे कि वो आपका वेट कर रहे होते हैं। जैसे आप बाहर जाते हो वो आप पे अटैक कर देते हैं। बस इतने सी देर में मेरे को इतना मच्छरों ने काट लिया है। 2 दिन से इशाल और उसकी फ्रेंड मेरे पीछे लगे हैं कि मुझे कपकेक बना के दो। तो ना हमारे पास मैदा था, ना ही हमारे पास ओवन था। तो मैंने इशाल को बोला सामने वाली आंटी को पूछो उनके पास है क्या, तो उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ आटा है। तो मैंने बोला चलो आज आटे से ट्राई करते हैं। ओवन नहीं था तो मैंने इस तरह पतीली के अंदर पतीली रख के बैटर वगैरह बना के, इसमें बैटर के अंदर एग, वनीला पाउडर, बेकिंग पाउडर, ऑयल, शुगर, सब चीज़ें ऐड कर दी थी। तो मैंने ट्राई किया, लेकिन इन लोग ने ना 25 मिनट के बाद गैस बंद कर दी थी। केक अभी बना ही नहीं था, तो ये तो फेल हो गया था मतलब। फिर मैंने बोला छोड़ो जाने दो, जब कभी ओवन लेके आएंगे फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो केक तो हमारा बन नहीं पाया था, तो उसके बाद बस मैंने कॉर्न को गैस के ऊपर रोस्ट करके बच्चों को दे दिया था। 6:15 बज गया है। इल्हाम तो बस अभी सो गई, तो 1-1.5 घंटा सोई गई, जब तक कि मैं इसकी फाइल अपडेट कर लेती हूँ। लुगन की मम्मी ने इल्हाम के लिए बेबी डॉल और एक स्विमिंग का ड्रेस दिया है, तो जब इल्हाम उठेगी तो उसके लिए सरप्राइज़ है। रमेश बस आए और आते ही इल्हाम को उन्होंने एक आवाज़ दी और इल्हाम उठ के बैठ गई। इल्हाम ने जब देखा बेबी रखा है तो वो बहुत खुश हो गई। मैं उसको बता रही हूँ कि ये बेबी लुगन की मम्मी ने दिया है। तो डिनर हमने कर लिया था। डिनर के बाद अभी हम बाहर जा रहे हैं। इल्हाम को मैं बोल रही हूँ अपना पोंचो पहन लो, नहीं पहन रही, ना शूज़ पहन रही है। तो रमेश बोलते बस स्ट्रॉलर लेके बाहर आ जाओ, ये खुद ही आ जाएगी। और बाबा इल्हाम के लिए नूडल्स लेके आया था, ये भी रिटर्न करना है क्योंकि इल्हाम ये वाले नूडल्स नहीं खाती है। रमेश को मैंने बोला इसको ज़बरदस्ती पोंचो बनाए क्योंकि बाहर इतनी ठंडी हो रही है और ये पहनती नहीं है, तो इसकी आदत कैसे बनेगी। अगर थोड़ी देर रोएगी तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी नहीं पहना उसने, तो बस इस तरह स्ट्रॉलर पर डाले ताकि आगे से हवा ना लगे। सबसे पहले हम लोग खालिद अंकल के पास गए, वहाँ पे जो बाबा की पैंटें दी थी वो कलेक्ट करी। उसके बाद यहाँ पे सतवा में आ गए अभी हम लोग, और यहाँ पे बाबा के कल मैंने जो स्लीपर्स थे वो स्टिच कराने थे तो वो दिए थे, तो आज वो भी कलेक्ट कर लिए। उसके बाद सामने यहाँ पे एक छोटी सी कॉर्न स्टॉल नज़र आई, तो इल्हाम बोलती है मुझे कॉर्न खाना है, तो उसको यहाँ से कॉर्न लेके दिए। बोलती है मुझे नीचे उतारो, मेरे को ग्रोसरी में जाना है, मतलब जितनी भी ग्रोसरी आएंगी ना सब में जाना है। तो आज है वेंसडे, 1 बज गया है और मैं उठ गई हूँ। बच्चे दोनों अभी तक सो रहे हैं। जब तक मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी बच्चे भी उठ जाएंगे। सवा 2 बज गए, अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मेडिसिन दूंगी बच्चों को। अभी फीवर की तो मेडिसिन नहीं है, सिर्फ उनको कफ की दे रही हूँ, कफ और एलर्जी की। आज मैंने बनाया है शार की रिक्वेस्ट पे ऑमलेट, ब्रेड, एप्पल, चाय। इल्हाम ने तो सुबह उठ के बस अपने कॉर्न खा लिए, रात में इसको लेके दिए थे, वो ही खाया, इसलिए इसको गर्म कर दिए थे। साढ़े 4 बज रहा है, बच्चों को मैंने शावर दे दिया, इनको रेडी कर दिया। अब मैं शाल को बोल रही हूँ कि पहले तुम कुरान पढ़ लो, फिर स्टडी कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। तो शाल का मूड खराब हो गया, बस रोना धोना चालू है। लाम सीन पेश, लाम सीन पेश लुस सयाकुलुस। आइसक्रीम नाउ। इल्हाम यू स्टूपिड, आइसक्रीम लेके आई हो। मेरे को डांट रही, बोलती मम्मा यू स्टूपिड, मतलब मैं बोलूंगी ना उसको तुमने क्यों आइसक्रीम ली, यू स्टूपिड, तो वो मुझे बोल रही उल्टा। आज मैं बेसन की कड़ी बना रही हूँ, तो मैंने आंटी को बुलाया कि पाकिस्तान में किस तरह बनती है, आप मुझे उस तरह बता दी, मैं बनाऊंगी। तो आंटी बोलती है चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो इस पॉट में मैंने 1 चम्मच ऑयल और 1 छोटी प्याज को बारीक काट के ऐड कर दिया। अभी प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज जब हल्की सी नरम हो गई थी तो इसमें 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 3 टेबलस्पून बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आंटी ने बोला कि 3 टेबलस्पून डालो क्योंकि कड़ी जो होती है वो बादी होती है। जिंजर गार्लिक को हमने अच्छी तरह से भून लिया था। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच मिर्ची और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। इस पॉट के अंदर है 1.5 लीटर लस्सी यानी कि छाछ, लबन और 2 चम्मच इसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर और 1 कटोरी मैंने लिया है बेसन। बेसन को पहले मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, फिर मैंने लस्सी के साथ में मिक्स कर दिया है। अब जब मसाला भुन जाएगा तो ये लस्सी हम कड़ी में मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे। और जितना इसमें लबन था तो उतना ही हमने पानी लिया है, मतलब 1.5 लीटर लबन तो 1.5 लीटर पानी। इंडिया में तो जब हम लोग बेसन की कड़ी बनाते हैं तो हम लोग उसको इस तरह मसाला नहीं भूनते, सारी चीज़ें बेसन दही सब मिक्स करके चढ़ा देते हैं, उसके बाद ऊपर से इसको बघार देते हैं। और अगर यहाँ पे टेस्ट की बात करूँ तो इंडिया और पाकिस्तान की जो कड़ी का टेस्ट था वो दोनों का सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि मसाले तो दोनों में सेम ही पड़ते हैं, बस तरीका अलग है लेकिन मसाले सेम है। मीडियम साइज के 3 बड़ी प्याज, उसको बारीक चॉप कर लिया, 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा, चुटकी हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, ये फ्रेश धनिया घर का कुटा हुआ। बेसन पहले मैं 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, उसके बाद में अगर और लगेगा तो और डाल लेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है, और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। 1 चुटकी इसमें मैं डाल रही हूँ सोडा, अभी जा रहे हैं, खाना भी रेडी नहीं हुआ, चाय लिया है फिलहाल, चाय से गुजारा कर। बच्चे दोनों अपनी फ्रेंड के घर में घुसे हुए, वहाँ पे खेल रहे हैं। कड़ी रेडी हो गई है, अच्छी तरह से पक गई है। ऐसे शुगर का डब्बा यहाँ पे रखना पड़ता है, नहीं तो बार बार है ना ये स्टैंड मेरा गिर जाता है, कभी कभी तो पतीली के अंदर गिर जाता है। तो अच्छा है कि ये आईफोन है, जिनको कुछ नुकसान नहीं होता है, उसकी बार ये हांडी के अंदर गिर जाता है। जब कभी भी मैं भजिए बनाती हूँ कड़ी में डालने के लिए, एक प्लेट तो जब फ्राई करती हूँ उसी टाइम ख़त्म हो जाती है, तो बस थोड़े से लास्ट में बच जाते हैं, क्योंकि गरम गरम इतने अच्छे लगते हैं, इतने क्रिस्पी लगते हैं, उसी टाइम खाने का दिल करता है। 3-4 भजिए तो हम लोग ने खा लिए, और बाकी के जो थे उसमें एक बॉल आंटी को बना के दे दिया और एक खालिद अंकल के लिए बना दिया। तो बस एक प्लेट इस तरह ख़त्म हो गई, और लास्ट में जो बचा वो हमारे लिए सिर्फ चूरा ही बचा था। तो ये रहा हमारा कड़ी पकोड़ा, और ये राइस भी कल आंटी ने दिए थे, तो ये लेफ़्ट ओवर राइस हैं कल के। और बाबा और रमेश तो रोटी के साथ खाएंगे। बाबा ने ऐसे रोटी को तोड़ लिया है और ऊपर से बहुत सारी कड़ी डाल के उसको रोटी को डुबा के खा रहे हैं। 6:30 बजे हम लोग इस तरह से खाते हैं। खाना वाना खा के 8 बजे तक वो वापस चले गए। अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। इल्हाम बस अभी उठी है सो के, तो इसको नूडल्स दिए हैं बना के, साथ में जूस पी लेगी, बस इसका भी डिनर हो जाएगा। बस रमेश का आने का टाइम है, अभी बस आने वाले होंगे वो। 11:15 बज गए, अभी हम लोग बैठ के सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। ठंडी में ठंडी का मजा होता है, पता है। आज थर्सडे, शायद आज सुबह 8:30 बजे की उठी है। जब रमी उठे है ना, तो ये भी उठ गई। उठ के उसने नमाज पढ़ी है। मेरा भी 11 बज गए, मेरे बाबा के साथ गई है, ब्रेकफास्ट लेके आई है। बोलती मुझे ब्रेकफास्ट करना है। बाबा ने मेरे लिए भी लेके आ गया है, अंडा पराठा लेके आया है बाबा ने, साथ में चाय लिया है। बस ब्रेकफास्ट तो आज बाहर से हो गया है। हम लोग अभी नाश्ता कर ही रहे थे। समीर भी आ गया, वो भी अपना नाश्ता लेके आया। रमीज़ आए, वो अपना नाश्ता लेके आए। तो बस फिर हमने साथ में मिलके नाश्ता कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद इशाल को भी नींद आ गई थी, क्योंकि सुबह 8:30 बजे की उठी हुई थी, और इल्हाम तो अभी तक उठी ही नहीं है। फिर 4 बजे समीर भी चला गया था, क्योंकि उसका सेशन था शाम का। समीर को भूख लगी थी, तो फिर उसके लिए मैंने राइस बना दिए थे। कड़ी तो रात की रखी थी, साथ में उसको एग बॉईल कर दिए थे। बाबा भी साथ में खा रहा है, उसको भी भूख लग गई थी। इशाल अभी बस नमाज़ पढ़ रही है। उसके बाद आंटी ने मुझे बुलाया, आंटी को कुछ काम था। तो मैंने आंटी को बोला मैं चाय बना के आती हूँ, तो बोलती नहीं इधर आ जाओ, मैं तुम्हें बना के देती हूँ चाय। 6 बज गए, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 3 हरी मिर्ची, और भिंडी तो मैंने उस दिन वॉश करके फ्रीज कर दी थी। साथ में ये टमाटर भी फ्रीज किया हुआ है, तो एक बड़ा टमाटर है ये। दोपहर में समीर के लिए राइस बनाए थे, वो भी रखे हुए हैं, और थोड़ा सा साग भी रखा है। तो आज ये भी, इसको भी ख़त्म कर लेंगे रात में। और कड़ी भी बस थोड़ी सी बची है, क्योंकि रात में भी सबने खा ली थी। आंटी को भी दे दी थी, खालिद अंकल को भी दे दी थी, फिर दोपहर में भी समीर ने और बाबा ने खा ली। तो बस कड़ी तो हो गई ख़त्म। प्याज और हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिए है। अभी सबसे पहले मैंने कढ़ाई में प्याज और हरी मिर्ची डाल दी हैं। अब इसमें ऑयल डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ साथ में मैं इशार को कुरान भी पढ़ाते जा रही हूँ। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। बाकी मसालों में 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, और 1/2 चम्मच हल्दी। बस अभी भिंडी बनने वाली है, 2-3 मिनट लगेंगे, और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए। हाँ, बस अंदर खेल रही है। इशार का कुरान हो गया, अब इसको स्टडी करानी है। 10 बज गया। आज रमीज अभी तक नहीं आया, आज बहुत लेट हो गए, और शायद से ओवर टाइम है। एक बज के 10 मिनट हो गया। रमीज का अभी कॉल आया, बोलते हैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। तो बाबा ने तो शाम को खाना खा लिया था, तो उसको भूख नहीं लगी है, और बच्चों को भी मैंने 8 बजे के टाइम पे खाना दे दिया था। तो बस मुझे अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, और रमीज अभी तक नहीं आया, और जब वो आएंगे तभी मैं उनके साथ खाना खाऊंगी। 1 बज के 40 मिनट हो गया, अभी बस रमीज आए, तो बस उसके बाद हमने डिनर किया। तो ओके फ्रेंड, आज के इस वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।